अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो व्यूअर्स, आज खैर सर चौथा रमज़ान है और माशाल्लाह से यार ये तीन रोज़े बिल्कुल फिट फाट, बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त गुजर गए। आप बताएं आपके कैसे गुजरे? पता ही नहीं चला यार, और माशाल्लाह इतहाई अच्छी गुजरी। तो खैर सहरी हो चुकी है, तकरीबन 4:20 है, कुछ देर बाद जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मस्जिद में जमात सुबह की नमाज जो है 10 मिनट ऊपर 5 बजे है ना, कुछ टाइम बाद जाएंगे, हमारे साथ रहिए। नमाज के लिए तो फिलहाल वैसे भी टाइम है, मैंने सोचा चलो तिलावत कर लेते हैं। आज तकरीबन चौथा रोज़ा है और मैं 11वें पारे में हूँ, और मेरी आज पूरी कोशिश हुई कि मैं तकरीबन 16वें पारे तक आज पढ़ सकूँ, क्योंकि चार चार के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से चार पारे आते हैं, तो 4:4 16 आता है। इंशाल्लाह मैं इस बार चार ख़त्म करूँगा। मस्जिद की तरफ जाने सब कोट पहन लिए, कोट क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा है। बस अभी जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। व्यूअर्स देख सकते हैं ये न्यू व्लॉग अपलोड हो गए कुछ देर पहले, लेकिन अभी देख सकते हैं इस पर ये रेड डॉलर का निशान है, इसका मतलब इस पर कॉपीराइट आया है क्लेम ना, तो बस इसका मतलब है कि बस ये वीडियो भी ज़ाया हो चुकी है। तो ये भी होता है बास टाइम वीडियोस में कोई कॉपीराइट म्यूज़िक वगैरह होना, तो फिर बहुत इशू बन जाता है, आपकी सारी मेहनत फिर ज़ाया हो जाती है। अब मैं इसे डिलीट करूँगा और इसे फिर दोबारा अपलोडिंग पर, तो मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई है, देख सकते 112 MB हो चुकी, 113। तो आइए इसे डिलीट करते हैं। एडिट वीडियो, शेयर वीडियो, डिलीट वीडियो, यहाँ पर डिलीट। मुझे परमिशन मुझसे मांग रहे हैं कि आप एक ही नहीं से डिलीट कर रहे, तो मैं कहूँ यस डिलीट फ्रॉम यूट्यूब। डिलीट हो चुकी है, तो ये इशू भी होता है इसमें। अच्छा तो दोस्तों, मेरे सर पर काफ़ी ज़्यादा बोझ था, तो उस बोझ को हल्का करने के लिए मैं अपने लोकल बार्बर शॉप पर गया और थोड़ी सी हेयर कटिंग कर ली। अच्छा तो दोस्तों, थोड़ी सी कटिंग शटिंग हो गई है हेयर की, और देख सकते काफ़ी स्मेक सी कटिंग हुई है, कैसी। अभी थोड़ी देर में फ्रेश होते हैं, चेंजिंग करते हैं। अच्छा तो जी, फ्रेश हो गए हैं और अभी तकरीबन शाम होने वाली है, शाम नहीं खैर वो इवनिंग जो किसे कहते हैं, यार मेरी उर्दू की थोड़ी कमज़ोर है, 4 बजे ना। तो खैर इंशाल्लाह ईद तक ये डेली व्लॉगिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ये बस एक डेली व्लॉग चैलेंज है रमज़ान में मेरे लिए। आप हमें भी अपने राय से आगाह कीजिए कि अपनी राय दीजिए कि हमें अपने व्लॉग्स में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। असल में स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए समझ नहीं आ रही, बस सुबह उठ जाते और मुँह हाथ धोए बगैर ये लो मैं उठ गया, अब ये कर रहा हूँ नमाज के लिए जाने और ये और वो, लेकिन खैर इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी ज़रा चलते हैं अफ्तारी के बाद ज़रा बाजार चलते हैं। ये चप्पल इनके साथ चप्पल ले लिए गाइस, अब असर घर की तरफ आने। अच्छा तो गाइस बाजार से आ गए हैं, खैर बस बाजार गए और 5-10 मिनट में शॉपिंग आप कह सकते हैं। चलिए इनकी इसकी अनबॉक्सिंग करके अपने लिए घर के लिए चप्पल ले लिए।
देख सकते हैं ब्रांड न्यू चप्पल, आवाज की चप्पल। वैसे आप देख ले कैसे हैं। कलर तो मुझे काफी अच्छा लगा, ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन लेवर की तरह। बस बाकी क्वालिटी का मुझे पता नहीं है क्योंकि इस्तेमाल तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए, और इसका 1100 कह रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा गुजारा कर लो, तो बस 800 रुपये पर डन हो गई। तो यही थी अनबॉक्सिंग, यहाँ पर तो लाइक कीजिए ना। चले इसे पहनते ज़रा कि कैसे लगती हैं। बिस्मिल्लाह, वल्ला यार उस पे कीले सड़े खार मखा। डेर मोरी ब्या बदल नजर अशी। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा लग रहा है, जबरदस्त यार। दोस्तों आप भी सोचेंगे कि बंदे ने पहली मरतबा चप्पल ली है, क्या मसला है यार। बस ये मैं सिर्फ आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं। तरावी भी हो चुकी है और उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।